सो लेट गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यू के T1 प्रो डिवाइस के अंदर आप डार्क मोड थीम्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। डार्क मोड थीम्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप इसे ऑन करके अपने आई प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इवन गाइस अपनी बैटरी पावर वगैरह को भी सेव कर सकते हैं इस सेटिंग से। तो चलो हम दिखाते हैं आपको कौन सी सेटिंग्स हैं एंड कैसे हमें यूज़ करना है डार्क मोड। डार्क मोड को इनेबल करने के दो ऑप्शन है, सबसे पहला हमें मिलता है फ़ोन सेटिंग्स एंड सेकेंड हमें मिलता है डिस्प्ले, जो कि कंट्रोल सेंटर है डिस्प्ले का। तो हम दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर ईजिली सर्च कर सकते हैं डार्क थीम्स। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे डार्क थीम्स, तो यहाँ पर डार्क थीम्स आ चुका है। और अगर आप चाहें इसको मैनुअल यूज़ करना तो उसके लिए हम यहाँ पर बैग जाएंगे, जिसमें हमें मैनुअल यूज़ करने का डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर डार्क थीम्स भी देख सकते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे। डार्क थीम्स में यहाँ पर फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको ओपन करेंगे। डार्क थीम्स को इनेबल करने के लिए जस्ट यहाँ से इनेबल कर देंगे तो हमारे फ़ोन के अंदर ईजिली डार्क थीम्स इनेबल हो जाएगा। और यही सेम मेथड है, अगर आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर से इसके पास जाना है तो सिंपली कंट्रोल सेंटर को नीचे करिए, इसके बाद यहाँ पर साइड में जाइएगा, जहाँ पर भी आपको डार्क मोड डार्क थीम्स का ऑप्शन मिले आपको बस उसे लॉन्ग प्रेस करना है। अगर आपको सिंगल टैब में उसे ऑन करना है तो आप सिंगल टैब में ऑन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा। अब इस सिंगल क्लिक के अंदर ये जो है इनेबल्ड भी हो चुका है डार्क थीम हमारे फ़ोन के अंदर। हालांकि मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इसके मेन सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको अभी ऑफ करके रखूँगा। इसमें हमें कुछ सेटिंग्स मिलती है देखने को, हालांकि यहाँ पर सन सेट टू सनराइज ये ऑप्शंस में भी शायद अवेलेबल होगा डेफिनेटली आपके फ़ोन में, क्योंकि मेरा फ़ोन जो व्यू का V23 Pro है और एंड्रॉयड 11 में ऑलमोस्ट सेम फीचर्स मिल जाते हैं सेम कैटेगरीज के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता आपको सनसेट टू सनराइज वाला भी ऑप्शन इनेबल हो। तो आपको इसे यूज़ कैसे करना, अगर ये सेटिंग्स आपको मिलती है तो आपको कैसे इसे यूज़ करना, देखो हम चाहें तो यहाँ से मैनुअल यूज़ कर सकते हैं डार्क मोड को। डार्क थीम से यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो अब क्या होगा कि जब भी सूरज ढल जाएगा तो आपका इजिली डार्क मोड इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो है डिटेक्ट कर लेता है कि अभी जो है सनसेट है या फिर सनराइज है, और जैसे ही सुबह सनराइज होगा ये जो है ऑटोमेटिकली डार्क थीम से जो है ऑफ कर देगा। तो ये ऑप्शंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली इंपॉर्टेंट लगा, इंटरेस्टिंग भी लगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना कि मतलब रात है कि दिन है और उसे डिटेक्ट करके डार्क मोड को इनेबल करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन में मिलेगा टर्न ऑन एट कस्टम टाइम, इसको आप क्लिक करिए, ऑन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कस्टम टाइम चूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आपको स्टार्ट बटन, आपको स्टार्ट बटन और एंड बटन दो ऑप्शंस मिलता है, आपको एक टाइम शेड्यूल करना होगा कि कौन से टाइम को आपका डार्क मोड इनेबल चाहिए, कौन से टाइम में आपका डार्क मोड ऑफ चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल है रात को मैं 8 बजे या फिर 9 बजे आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको ओके कर दीजिए, सुबह एंड टाइम आप सेलेक्ट कर दीजिए। अगर 6 बजे सुबह में आपको इसे एंड करना है तो जस्ट यहाँ ओके पे प्रेस करेंगे तो ये सुबह में एंड हो जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है डार्क मोड के, आई होप कि डार्क मोड आपको समझ में आ गया कैसे इसे यूज़ करना है, और ये काफ़ी ईजी स्टेप था और काफ़ी ईजी सेटिंग्स भी थी, आई होप कि ऑन कर पाएंगे आप। लेकिन गाइस फिर भी अगर आपके मन में इसके रिकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी जाके फॉलो करके अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। एंड गाइस हम मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।